फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे बायोकान लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे जिस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, ये यहाँ पे इसने हाई लगाया और इस लेवल के आसपास इसका लो लगाया है। अभी ये चैनल में इसी चैनल में ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अभी ऊपर की ओर से इसने इस चैनल को टच किया और फिर से नीचे आ रहा है, तो ये फिर से 315 310 के आसपास आने वाला है। और यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड, फोर्थ टाइम यहाँ पे आ रहा है। तो अगर ये 310 के लेवल को नीचे की ओर ब्रेक करता है तो यहाँ से इस लेवल से और ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसके नीचे का लेवल अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे जिसके चांसेस ऊपर हैं 340-345 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो ये ऊपर की ओर ज़्यादा निकल सकता है। तो अगर हम लोग जाके नीचे के लेवल से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैं इस पहले इंपॉर्टेंट लेवल को ड्रॉ कर देता हूँ, 310 के लेवल को। एंड 310 के लेवल के बाद जो हमारे पास लेवल है ये 310 से 311 का, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसको लग रहा है ये ब्रेक कर देगा जितनी तेजी से ये, क्योंकि बहुत ही स्पीड से ये नीचे की ओर आज के दिन गिर रहा है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास है, अगर नेक्स्ट सपोर्ट हम लोग देखेंगे तो वो अराउंड 300 के आसपास है, ठीक है दोस्त। इसके बाद का जो नेक्स्ट सपोर्ट है 300 के आसपास है, एंड उसके बाद का जो सपोर्ट है हमारे पास वो अराउंड 290 के आसपास है। तो आने वाले समय में अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में फिर से चले जाते हैं, अगर ये 311.9 को ब्रेक कर देता है यहाँ पे नीचे की ओर, ठीक है, क्योंकि बहुत तेज़ी से आ रहा है, तेज़ी से आ रहा है, 340 से आ रहा है, तो इस तरीके से जाके इसे ब्रेक करके नीचे नहीं चला जाएगा, ठीक है। इसका ये है क्योंकि ये तेज़ी से आ रहा है तो यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर से यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद फिर सेलिंग हुई, तो उसी तरीके से इसको अब जी यहाँ पे जहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा वो लेवल है 318 का। तो यहाँ आने के बाद ये थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, ऊपर नीचे होगा, उसके बाद फिर से 318 को अगर ये ब्रेक करता है तो ज़्यादा चांसेस है ये 309 के आसपास आ जाएगा, और इसके पास आके फिर से ये 300 और 290 का लेवल हम लोग को नीचे की ओर दिखा सकता है, ठीक है। अगर दूसरा कंडीशन ये है कि अगर यहाँ से ये 318-16 से ये 311 को यहाँ पे 9 को ब्रेक नहीं किया और ये इसी लेवल से कहीं से ऊपर की ओर इसी तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ऊपर की ओर निकल रहा है, जैसे यहाँ पे रेंज बना था, यहाँ पे जिस तरीके से रेंज बना था इस तरीके का प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकल रहा है, तो हो सकता है फिर से ये और ऊपर आ जाएगा, क्योंकि चैनल का ये नीचे वाला पार्ट है तो यहाँ टच करेगा तो फिर से ऊपर आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। अगर इस लेवल को ब्रेक करके ब्रेक नहीं करता और इस तरीके कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न बना के इस तरीके से निकलता है ऊपर की ओर, तो हो सकता है फिर से 340 के आसपास आ जाए, और इस पर 340 के आसपास आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं 340 के पास आना चाहिए, अगर आ रहा है 340 के पास तो थोड़ा टाइम स्पेंड करके इस तरीके से आए और यहाँ पे ऊपर की ओर अपने आप को होल्ड करे, ठीक है। इसे क्या करना चाहिए, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए और इस लेवल के आसपास अपने आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और यहाँ पे जब बायर्स इसको फिर से इस लेवल से ऊपर के लिए की ओर लेके निकलेंगे तो यहाँ से हम लोग को 380 का टारगेट देखने को मिलेगा। फायोकान लिमिटेड में फिलहाल एक गिरावट चल रही है और यहाँ पे अभी ये एक रेंज में फंसा हुआ है, एक चैनल में फंसा हुआ है, जब इस चैनल से निकलेगा तभी हमें पता चलेगा ये कितने किस ओर निकल सकता है। नीचे जाएगा तो नीचे के टारगेट, एंड ऊपर अगर यहाँ से निकलता है तो देखेंगे ऑलरेडी बहुत बार आके इसको हिट कर रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसके पास आके ये टाइम स्पेंड करेगा, टाइम स्पेंड करता है तभी इसे ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल पाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।